नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि चेक बाउंस के केसेस 90% ये होते हैं कि इस आदमी ने मेरे से उस तारीख पर इतना पैसा उधार लिया था और उसके बदले इसने चेक दिया था, ये चेक का नंबर है, और जब हमने बैंक में चेक लगाया तो ये डिसओनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। मोस्टली केसेस के अंदर यही थ्योरी होती है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस हो जाए और जिसने वो केस किया है उसने यह पिली ली है कि इन्होंने मेरे से इतना पैसा उधार ले रखा था, तो इस केस से कैसे छुटकारा पाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल लेट्स लर्न लॉ। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस जिसमें उधार दिखाकर चेक बाउंस का केस बनाया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस केस का नाम था राजा राम नायडू वर्सेस मुरुथा चिलम। इस केस के अंदर इस आदमी ने बताया कि मैंने इस आदमी को उधार पैसे दिए थे, उसके बदले चेक लिया है मैंने उस आदमी से, और जब मैंने चेक लगाया बैंक में तो डिसओनर हो गया, बाउंस हो गया। तो इसने क्या किया, चेक बाउंस का नोटिस भेजा उस आदमी को, और चेक बाउंस नोटिस होने के बाद प्रॉपर अवधि के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी गलती ना करते हुए केस डाला अपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि चेक बाउंस का केस है 138 के अंदर डाला। उसके बाद जब समनिंग हुए रिस्पोंडेंट को, वो आया, उसने केस देखा, उनके वकील साहब ने यह दलील रखी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कि जो यह चेक बाउंस का केस है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो इन्होंने ट्रांजैक्शन दिखा रखी है उधार की, वो जिसने केस डाला है अपनी किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं शो करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को ध्यान से देखा और जाना कि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसके अंदर उधार का पैसा दिखाकर चेक बाउंस का केस बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, इस जजमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि यदि कोई उधार की ट्रांजैक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई शो नहीं करता और उसके आधार पर चेक बाउंस का केस बनाता है तो यह चेक बाउंस का केस बिल्कुल बेसलेस है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर इस केस को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा चेक बाउंस का केस करता है तो आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। फिर ऐसे केसेस से जिसके अंदर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रखी, ऐसे केसेस से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो चेक है वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने चाहिए। ऐसे लोग जो ब्याज का धंधा करते हैं कि लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं और बदले में चेक ले लेते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए यह 138 केस नहीं बनता। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, या आपके दोस्त को ऐसे किसी सहायता की जरूरत हो उनको शेयर कीजिए, और किसी भी अन्य लीगल सहायता के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर। तो मैं था आपका दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर कभी मिलेंगे ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके चैनल पर लेट्स लर्न लॉ।